हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग? एज वी ऑल नो, ट्रेनिंग मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड. ठीक है, ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब होते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हमारा जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग और कमिटमेंट, जो एक असाइनमेंट जो कमिटी, डिफरेंट डिफरेंट कमिटी असाइनमेंट्स मिलते हैं, ये सब इंक्लूड होता है. वेस्टिबल ट्रेनिंग हमारी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आती है. रोल प्लेइंग मेथड, ठीक है, लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये सारे हमारे ऑफ द जॉब मेथड्स में आते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कौन से होते हैं? जो इनको हम GIT मेथड भी बोलते हैं. GIT मेथड जॉब इंस्ट्रक्शन जो ट्रेनिंग है वो भी बोलते हैं. जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मेथड जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स. इन मेथड्स में जो एक एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रेगुलर जॉब पर रख कर ही उनको बताया जाता है, स्किल जो है वो अपडेट की जाती है, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उसके अपने जॉब के अकॉर्डिंग. तो डिफरेंट डिफरेंट से इसमें मेथड्स होते हैं. उसका फर्स्ट तो हमारा होता है जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन मेथड, जैसे एक वर्क को करने के लिए हमें एक एक डिपार्टमेंट में तीन डिफरेंट टास्क हैं, फॉर एग्जांपल, या फाइव टास्क हैं, जितनी भी आप टास्क सोचना चाहते हो, उसमें से सब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको डिफरेंट डिफरेंट जो ड्यूटीज़ हैं उनकी, उसको ट्रांसफ़र करना, उन सब की जो डिफरेंट जॉब्स हैं उसको अलग अलग तरीके से उन सब में अलग उसको उसका मूवमेंट करना, जो ट्रेनी है उसका मूवमेंट करना एक जॉब से दूसरी जॉब पे. तो वो उससे क्या होगा, एक मोनोटोनस जो एक सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी. हर किसी को अपना जॉब, जो डिफरेंट जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो करने आएंगे. तो अगर किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई क्राइसिस है, तो हम डिपेंडेंट नहीं रहते और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है इन क्रॉनिक सिचुएशंस. तो जिससे इसके थ्रू जो जॉब रोटेशन मेथड है, ट्रेनी रिसीव करता है जॉब नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपीरियंस गेन करके, और उसका जो सुपरवाइजर है उसका ट्रेनिंग है बाय देम. तो ये एक जो ट्रेनिंग है वो अपॉर्चुनिटी है ट्रेनिंग को जो दी जाती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की, कि दूसरी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके वर्क को रिस्पेक्ट करने के लिए, और जिससे जो डिफरेंट टास्क हैं वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ सीख सके. ये इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हमारी जॉब रोटेशन के होते हैं. कोचिंग मेथड आता है नेक्स्ट. कोचिंग मेथड में क्या होता है, कोचिंग इज़ अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ इनफॉर्मल ट्रेनिंग मेथड. कोचिंग एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है. कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज कराती है, मतलब इस जो ये मेथड है इसको, ये एक इनफॉर्मल सा मेथड है, लेकिन ये भी एक पार्ट है मेथड्स का. इसमें जो एक हमारा जो भी सुपरवाइज़र है, जो सुपरवाइज़र है वो ऑब्जर्व करता है जो ट्रेनी है, जो उसका जो वर्क करते हैं उसके अंडर में. ये सबसे पहली बात तो इनफॉर्मल मेथड है. दूसरी बात इसकी ये है कि ये जो हमारा मेथड है इनफॉर्मल मेथड है, और ये हमारा जॉब से रिलेटेड है. इसमें हमें किसी भी तरह का कोई अलग, इस जॉब से अलग कोई चीज़ भी हमें नहीं बताई जाती. जिस जॉब में हम इन्वॉल्व हैं वो उस जॉब से रिलेटेड ये मेथड होता है. इसमें पर्टिकुलर जो सुपरवाइज़र है वो फंक्शन करता है एज अ कोच सुपरवाइज़र. उसके अंडर में जितने भी उसके पीर एम्प्लॉई हैं उनको वो कोच एज अ कोच उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है, उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है. कोच जैसे आप कहेंगे, जैसे एक क्रिकेट कोच होता है वो उस क्रिकेट का ही, क्रिकेट से रिलेटेड ही जो इंफॉर्मेशन है वो अपने जो उसके जो अंडर में जो भी कोई होगा उसको नॉलेज देता है. तो ये एक कोचिंग जो है जॉब रिलेटेड एक मेथड हुआ. अगर हम बात करें और जो मेथड्स हैं लेक्चर मेथड की, या आप जैसे हम बात करते हैं और इससे अलग जो हमारे मेथड्स हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड हो गए और कोई भी मेथड है, उसमें हमें और चीज़ें भी बताई जाती हैं, उससे अलग भी चीज़ें बताई जाती हैं, अपडेट किया जाता है सारी चीज़ों के लिए. लेकिन कोचिंग मेथड पर्टिकुलरली उस एक स्पेसिफिक जॉब को लेकर होता है जहाँ पर
जो सुपरवाइजर है वो फीडबैक भी प्रोवाइड करता है ट्रेनी को अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस, उसको सजेशंस इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सके, क्या डूज हो क्या डोंट्स हो, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा जॉब इंस्ट्रक्शन मैथड. जॉब इंस्ट्रक्शन मैथड ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैथड है हमारा. जो जॉब इंस्ट्रक्शन मैथड है तो जॉब इंस्ट्रक्शन मेथड क्या हुआ, जहाँ पे ट्रेनर एक्सप्लेन करता है ट्रेनिंग को कि कैसे एक जॉब को अच्छी तरह से किया जाए, नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड करता है उसके लिए, उसको अलाउ करता है कैसे उस जॉब को करना है, उसे बताता है सारी चीज़ें और ट्रेनर अप्राइज करता है परफॉर्मेंसेस को प्रोवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट करके ट्रेनिंग की जो भी किसी भी तरह की मिस्टेक्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कमिटी असाइनमेंट. कमिटी असाइनमेंट में जहाँ पर कमिटी की बात आती है तो ग्रुप ऑफ ट्रेनीज होंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्रेनिंग्स जहाँ पे होते हैं जिनको एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और ट्रेनी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को जॉइंटली, तो इससे उनके अंदर डेवलप होता है टीम वर्क, ठीक है, मोर एंड मोर उनके अंदर वर्क करने का, जो कैसे डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उससे डील किया जा सकता है और इससे जो उनका जो इवेल्युएशन है डिफरेंट एम्प्लॉइज का वो भी पॉसिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हमारा कमिटी असाइनमेंट मेथड है. अब आते हैं हमारे ऑफ द जॉब मेथड्स. ऑफ द जॉब मेथड्स जो हैं हमारे ऑफ द जॉब हैं तो ऑब्वियसली बात है सेपरेट करके जॉब सिचुएशन से तब ये वाले मेथड्स दिए जाते हैं. अटेंशन कहाँ पे फोकस की जाती है, लर्निंग पे मेनली, जहाँ पे लर्निंग मेन फोकस्ड किया जाता है रिलेट जो भी रिलेशन जो भी रिलेटेड होता है फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंसेस के लिए, ठीक है. तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है हमारा वेस्टिबल ट्रेनिंग. वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, जहाँ पर एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस जो सिमुलेटेड कर दी जाती हैं क्लासरूम में, मतलब नकली सिचुएशंस बना दी जाती हैं एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस जैसी, मतलब एक नकली क्लासरूम बनाया जाता है जहाँ पे मटेरियल फाइल्स नीडेड जो इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं ट्रेनिंग के अंदर वो सब ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है. और ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये हमारा जो यूज़ किया जाता है जो ट्रेनिंग पर्सनल होते हैं जो क्लैरिकल या सेमी स्किल जॉब से रिलेटेड होते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग उनके लिए होती है क्योंकि वो ऑफ द जॉब होगी तो जो डेस्क जो जॉब्स होती हैं उनके लिए ये जो ट्रेनिंग मेथड है वो ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा रोल प्लेइंग मेथड. रोल प्लेइंग मेथड क्या है, एक मेथड जो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए जो इन्वॉल्व करता है एक रियलिस्टिक बिहेवियर, एक इमेजिनरी सिचुएशन जो रियलिस्टिक बिहेवियर एक मेथड है जो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए होता है जहाँ पे इन्वॉल्व होता है रियलिस्टिक बिहेवियर इन एन इमेजिनरी सिचुएशन. जो इमेजिनरी सिचुएशन है इस मेथड में ट्रेनिंग इन्वॉल्व की जाती है बाय डूइंग द प्रैक्टिस, ठीक है. मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है ये इंटरपर्सनल जो इंटरेक्शन है और रिलेशंस है जो एक डेवलप करने के लिए इंटरपर्सनल जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं रिलेशंस होते हैं. तो रोल प्लेइंग मतलब अगर हम किसी और का रोल प्ले करके दिखाएं रोल प्लेइंग मेथड्स करें तो उससे दूसरे जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस जो हैं ये रिलेशंस हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होते हैं तो दूसरे को पता चलता है, अलग अलग बंदों को पता चलता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि किस कंडीशन में कैसे वो डिसीजंस लेता है, उस डिसीजंस के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल ले रहे हैं तो इससे हमारे रिलेशंस हैं वो डेवलप होते हैं कि जब दूसरे का जो रोल प्ले करके बंदा कोई भी एम्प्लॉई देखेगा तो उसको पता चलता है कितनी हर्डल्स आती हैं, कितने डिफ़िकल्ट होते हैं सारी चीज़ें, तो उसको उसके वर्क का एक दूसरे के वर्क का पता चलता है. नेक्स्ट आता है हमारा लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है इंस्ट्रक्शंस का. यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है मटेरियल, ठीक है, और मटेरियल्स ऑर्गेनाइज करता है चाहे वो स्लाइड्स हैं किसी भी तरह का मटेरियल है और ग्रुप ऑफ ट्रेनीज को देता है इन द फॉर्म ऑफ टॉक इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर. वो बेनिफिशियल होता है ट्रेनिंग के लिए लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रेनीज के लिए. कॉन्फ्रेंस क्या है, ये एक क्लैरिकल जो क्लैरिकल प्रोफेशनल या सुपरवाइजरी जो हमारे पर्सनल हैं उनके लिए बेनिफिशियल मेथड होता है जो इन्वॉल्व करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने फोर्थ आइडियाज जो फ्यूचर आइडियाज वो दे सकता है एग्जामिन करना या कोई भी शेयर फैक्ट्स हैं आइडियाज अजम्पशंस हैं और कैसे एक ड्रॉ करा जा सकता है कोई भी कंक्लूजन, ठीक है. तो इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ कॉन्फ्रेंस होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग ये जो ये है ये लर्न कराया जाता है मेथड, ये प्रोवाइड कराया जाता है मेथड जिसमें
इसकी जो सक्सेस है दिस मेथड की, एक लीडरशिप क्वालिटी कैसी है पर्सन के अंदर, उस पर लेट करती है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स की. तो कैसे, क्या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल हैं, ग्रुप ऑफ कमिटी है, ठीक है, उनकी कैसी, कैसे वो एग्जामिन करते हैं, कैसे उनके आइडियाज़ होते हैं, कैसे वो फैक्ट्स को देखते हैं, उनका एजम्पशन जो आइडिया, एजम्पशन जो टेक्निक है उनकी, वो कैसी है, कैसे उनके कंक्लूजन होते हैं, वो सब कुछ देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये एक रीसेंट ईयर में जो था, ये सबसे पॉपुलर जो रीसेंट ईयर्स हैं, अब जो रीसेंट ईयर्स चल रहे हैं, ये सबसे पॉपुलर मेथड है. एक केयरफुली जो एक सिक्वेंशुअल प्लान, प्रोग्राम की जहाँ बात है तो सिक्वेंशुअल प्लान, एक केयरफुल उसकी सीरीज बताई जाती है, उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बिल्ड किए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस उसके अकॉर्डिंग दी जाती है. इस ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग. वे मेथड्स जितने भी हैं वो सारे ही टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.